हेलो दोस्तों, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ओपन पोर्स के लिए फेस पैक कैसे बनाएंगे हमारे घर पर अवेलेबल चीज़ों से। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पहली रेमेडी के लिए हमें यहाँ पे चार इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और वो है बेसन, दही, हल्दी और ये जैतून का तेल। अब हम लोग मैंने हल्दी यहाँ पर जो है एक छोटा चम्मच ली है, जो सबसे जो हम मसाला डालने के लिए यूज़ करते हैं, और अब उसमें जो है मैं एक चम्मच बेसन डाल दूंगी और हम उसमें एक चम्मच दही मिला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक ढक्कन जैतून का तेल। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और हमारा ये पेस्ट जो है रेडी है, वो कुछ इस तरह बनेगा। अब हम इसे चेहरे पर लगाएंगे। हमने जो हमारा बेसन का पैक यहाँ पे रेडी किया है हल्दी, दही और ऑलिव ऑयल को मिला के, अब हम उसे चेहरे पे लगा लेंगे। तो वो किस तरह लगाना है हम देखते हैं। ये कुछ इस तरह जो है आपकी स्किन पे आएगा। इसमें हमने मिलाया है बेसन, हल्दी, जैतून का तेल और दही। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। बेसन जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। इसमें हमने जो दही मिक्स किया है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी स्किन की डर्ट को बाहर निकालता है, मतलब हमारे स्किन की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद हमने इसमें मिलाया है ऑलिव ऑयल, जो फिर से एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आपकी सारी गंदगी को पोर्स के अंदर तक से बाहर निकालता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। और इसमें हमने डाला है हल्दी। हल्दी हमारी स्किन के पीएच लेवल को जो है मेंटेन करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के जो हमने ये पैक तैयार किया है, अगर इसे आप हफ्ते में कम से कम दो बार भी लगाएं तो आपको रिज़ल्ट एक महीने के अंदर ही मिलेगा। और उसके अलावा आपको अपने पोर्स को क्लोज़ करने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आप रोज़ रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल लगा के सोएं, या तो आप रोज़ रात को सोने से पहले जब आप अपना चेहरा धोते हैं तो एक बार कोई भी टोनर या रोज़ वाटर बेस्ट है वो लगा लें और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा के आप सो जाइए। क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं तब हम हमारे पोर्स को ओपन कर देते हैं, और अगर हम उसे क्लोज़ नहीं करते हैं तो वो फिर गंदगी और डस्ट को इनविटेशन देना है हमारी स्किन को ख़राब करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और ये जो मैं आपको पैक बता रही हूँ, ये लगाने से जो है आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अब हम जो है इस पैक को सूखने देंगे और सूखने के बाद हम इसे सादे पानी से जो है धो लेंगे। सेकेंड रेमेडी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एप्पल काइडर विनेगर, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें इस विनेगर के साथ करना इतना है कि आपको एक साफ बोल लेना है, उसमें एक चम्मच आपको विनेगर डालना है और एक चम्मच पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑलरेडी रेडी कर लिया है और अब हम उसे चेहरे पे लगा लेंगे। और आपको जो है एक क्लीन कॉटन पैड लेना है, या फिर आप कॉटन बॉल, कॉटन या फिर कॉटन क्लोथ, कॉटन का कपड़ा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉटन पैड को जो है इस मिक्सचर में डिप करेंगे और हमारे चेहरे पे लगा लेंगे। प्लीज़ कभी भी आप विनेगर को डायरेक्टली अपने चेहरे पर ना लगाएं,
उसे हमेशा पानी में मिक्स करके लगाएं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डायरेक्ट विनेगर जो है आपकी स्किन को हार्म कर सकता है, तो इसीलिए इसे हमेशा पानी में मिक्स करके जो है अपने चेहरे पर लगाएं। और अगर आप चेहरे पर विनेगर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ एप्पल विनेगर ही यूज़ करें। अब मैंने इसे अपने चेहरे पर जो है लगा लिया है, अब हम इसे 5 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना चेहरा सादे पानी से धोकर आई हूँ, यह है उसका आफ्टर रिजल्ट। और विनेगर जो है हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, पर आप ध्यान रखें कि आप कोई भी विनेगर यूज़ ना करें, और इसे आप रोज़ रात को सोने से पहले कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 बार करने से आपको रिज़ल्ट जो है 1 महीने के अंदर दिखेगा। तो ये जो विनेगर है हमारे पोर्स को क्लीन करके उसे क्लोज करने में हमारे चेहरे की मदद करता है। तो आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिए अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।